वेलकम टू फूड एंड प्लैनेट, एक और नई मज़ेदार एपिसोड के साथ। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। मैं हूं इस वक्त कैवेलरी ग्राउंड के पास। कैवेलरी ग्राउंड मेरे इस साइड पे है और यहां पे मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड अंडरपास है वो बना है। और बहुत अरसे से मैं प्लान कर रहा था कुछ बर्गर्स वगैरह करने के लिए, तो मैंने प्लान किया हुआ था जस्ट बर्गर्स का। तो मुझे पता चला कि जी ये रोड जो है अब मेरे राइट साइड पर आ गया, ये रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद हो गया, तो जिसकी वजह से ये जो CSG की तरफ आने वाला रास्ता है वो बंद हो चुका हुआ है। तो बहरहाल जैसे ही मुझे पता चला ये खुल चुका है तो मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ जस्ट बर्गर्स। जस्ट बर्गर्स की लोकेशन कैवेलरी से जब आप चौक क्रॉस करते हैं, अब आपने अगर डिफेंस की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली आप अंडरपास पे चले जाएंगे, लेकिन आप जो आगे अगर आपने CSG की साइड पे जाना है तो आप सर्विस लेन ले लेंगे। सर्विस लेन पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपके लेफ्ट साइड पे CSD आ जाएगा और सही CSD के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जस्ट बर्गर और समोसास की आउटलेट है, वहाँ पे मैं आया हूँ बर्गर ट्राई करने के लिए। तो चलें चलते हैं, बर्गर ट्राई करते हैं और देखते हैं फर्दर इनके मेन्यू में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ब्रांड है जस्ट बर्गर्स, इनके ये डिफरेंट आइटम्स हैं मेन्यू में, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनके चाट वगैरह, समोसे, सेवरीज और टेंडर्स अवेलेबल हैं। वंडरफुल शामी भी है, इनका शामी बर्गर भी होता है गालबन प्रॉबेबली। और इसके अलावा ये चिकन टेंडर्स, सॉरी लाइट आ रही थी वहाँ पे, सॉसी चिकन टेंडर्स लुक्स गुड। तो चलें, बहरहाल मैंने अपना बर्गर ऑर्डर कर दिया है। मैंने अपने लिए एक ऑर्डर में बता दूं कि एलापिनो ऑर्डर किया है एंड सेकंड जो है वो मैंने क्लासिक ऑर्डर किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, दर्द इससे पूछो जिसको ठंडी चाय मिले। और ये वाकई बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ज़बरदस्त कोट है जो लोग चाय को पसंद करते हैं उनके लिए। अगर ठंडी चाय किसी को बहुत रेयर होता है वैसे कि कोई ठंडी चाय पी लेता है, लेकिन बहुत सारे जो मेजॉरिटी है उनको चाय गर्म ही पसंद होती है। और यहाँ से जी प्रेप स्टार्ट हो रही हैं। ये बर्गर्स जो मेरे जो मैंने ऑर्डर किए थे वो मैं थोड़ा सा मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। इसके ऊपर कैसे आपने इम्बोज किया हुआ है, क्या स्टैम्प कैसे किया? अच्छा अच्छा, ये जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे होता है। ओके जी, बटरिंग हो रही है यहाँ पे। बटरिंग करके इसको यहाँ पे टोस्ट किया जाएगा बंस को। ये जी आ गया है बीफ पैटी। और ये देखिए जी, ये भी इसको स्मैश कर दिया गया। कितने ग्राम का पैटी है आपका? 110 का है। ये जी सॉल्ट आ गया एंड ये ब्लैक पेपर आ गई। और यहाँ पे जी हमारी प्रेप होंगी स्टार्ट। ये एक सॉस आ गई। ये कौन सी सॉस लगाई है? क्लासिक सॉस है, ठीक है। और ये क्लासिक मायो आ गई, एलापिनो। ओके, आइसबर्ग आ गया, लेटस। ये जी देखिए हमारी ये बीफ पैटी भी रेडी हो गई है, ये आ चुकी है, प्लेस हो गई है बन के ऊपर। और ये पिकल्स आ गए, ज़बरदस्त। रैप कर दिया जाएगा। अच्छा, ये रैप हो गया। और ये आ गई जी हमारी चिकन बर्गर आ गया हमारा। ये देखिए जी, ये हमारे बीफ बर्गर रेडी है। और ये ठीक है एलापिनो चिकन बर्गर, ये विद चीज़ आता है और ये भी विद चीज़ आता है, ये स्मैश बर्गर। लें जी, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इनके लोडेड फ्राइज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फुली विद सॉसेस।
इनकी फहीता सॉस जो इन्होंने बनाई है और प्रॉपर जो इनकी सालसा सॉस है उसके साथ। और ये देखें गरम गरम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दैट इज़ रियली डिलिशियस। और जितनी ये क्वांटिटी है इनकी लोडेड फ्राइज की, अगर आप बर्गर्स नहीं भी खा रहे तो ये एक तरह से फुल आपका मील है। लोडेड फ्राइज को हम रखते हैं साइड पे और ट्राई करते हैं हम अपना क्लासिक बीफ बर्गर। इट्स अ स्मैश बर्गर जो कि ये फेमस हैं। मैंने फिर भी इनका चिकन बर्गर भी ऑर्डर किया है, लेकिन दे आर वेरी गुड इन स्मैश बर्गर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ी सी मैं लेटस साइड पे तोड़ लूँ क्योंकि ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेंथ में आ गई है। चलें यहाँ से सर पहले ट्राई करते हैं। द फ्लेवर इज डिवाइन लिटरली। जो इनका स्मैश बर्गर है इट्स नॉट लोडेड विद लॉट ऑफ सॉसेज एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी सिंपल नीट एंड क्लीन स्मैश बर्गर एंड फ्लेवरफुल स्मैश बर्गर। इनका पैटी मैं पर्सनली, मैंने शायद बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि मैं सी फूड लाइक नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो थोड़ा सा उसमें से हीक आती है, स्मेल आती है। सेम गोज़ फॉर द बीफ एज वेल, कि अगर उसमें से स्मेल या हीक आ रही होती है तो मैं आई एम नॉट दैट पर्सन कि वो फॉरन। बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, बट दिस बीफ इज़ लवली। देर इज़ नो स्मेल, देर इज़ नो हीक एंड वंडरफुल। आ गया इनका एलपिनो बर्गर, चिकन एलपिनो बर्गर। आप देख सकते हैं एलपिनो चीज़ और इनका ये पैटी, फ्राइड पैटी है। अब मैं ये टेस्ट करने लगा हूँ जी। हॉट एलपिनो का स्पाइस पैटी में भी, उससे बैटर में भी फ्लेवर है, विच इज़ रियली वंडरफुल। और अब सारी चीज़ें खाने के बाद मैंने पहले इनका एक ये मसाला ड्रिंक है, उस ड्रिंक का नाम मैं भूल गया था, मैं एक मिनट देख के आपको बताता हूँ। यस, मसाला लेमनेड। तो मैंने मसाला लेमनेड भी ऑर्डर किया था, बाहर ठंड है तो क्या हुआ। मसाले के बारे में उन्होंने बताया कि ये इनका अपना कुछ सिग्नेचर मसाला ये खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं। मसाला मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। इट्स लाइक अ सिंपल आपका जो लेमनेड होता है वैसे ही फ्लेवर है। मसाला थोड़ा सा अगर इन्हांस हो जाए, थोड़ा सा और कोई एक आधी चीज़ इसके अंदर ऐड हो जाए तो इट कुड बी अ गुड ड्रिंक। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास ये आ गया है इनका एक और ड्रिंक। इसका नाम है चिली मिली। चिली मिली नाम है जी, चिली मिली। मुझे, मैंने उन्हें फीडबैक दिया, मुझे मसाला ड्रिंक कुछ अच्छा नहीं लग रहा था या नॉर्मल लग रहा था। अच्छा से मुराद नॉर्मल, कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ नहीं थी। तो इन्होंने मुझे कहा जी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये चिली मिली। तो हम इसको अब ये चिली मिली को ट्राई करेंगे। ये देखिए चिली मिली के अंदर चिलीज़ भी हैं जो कि मिंट और आइस से मिली हुई हैं, तो इसकी वजह से इसका नाम चिली मिली है। तो इसको लेट्स ट्राई दिस चिली मिली, ठंडा बर्फ चिली मिली ट्राई करते हैं। इसके अंदर चिली मिली वाकई डली हुई है। वो जो जेली है आप सिप लेते हैं, जैसे आपको बबल्स आते हैं, बबल टी आप ले रहे हो तो उस तरह से आपको इसके सिप में
चिली मिली भी आएगी और प्लस इसके अंदर जो हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्च का भी फ्लेवर आ रहा है, बेटर देन दैट मसाला लेमनेड। वेल जी, अब बारी है फीडबैक की। यहाँ पे जस्ट बर्गर्स में मैंने ट्राई किया उनके एक क्लासिक बीफ बर्गर जो कि स्मैश बर्गर है, और एक एलापिनो चिकन एलापिनो बर्गर, प्लस मैंने उनके लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और फहीता फ्लेवर्स में। इनके पास दो टाइप के लोडेड फ्राइज़ हैं, एक फहीता और एक दम का कीमा। मैंने फहीता लोडेड फ्राइज़ ऑर्डर किए थे और एक मैंने उनका मसाला ड्रिंक ऑर्डर किया था। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो स्मैश बर्गर था, जो कि क्लासिक स्मैश बर्गर था या क्लासिक बीफ बर्गर था। मेरे से आपके लिए ये सजेशन है कि जब भी आप यहाँ पे जस्ट बर्गर में आएँ और आप अगर आप क्लासिक बर्गर ऑर्डर कर रहे हैं तो आप उसके डबल पैटी कर लें, उससे आपका पैटी फ्लेवर जो बीफ बर्गर का वो इन्हांस हो जाएगा। दूसरा फीडबैक स्मैश बर्गर के बारे में ये है कि पैटी वॉज वंडरफुल, आई मीन फ्लेवरफुल पैटी थी, उसमें कोई किसी भी किस्म की हीक नहीं थी, किसी भी किस्म का कोई ओडोर नहीं आ रहा था, कोई स्मेल नहीं आ रही थी, और आपका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बना हुआ था बीफ बर्गर का, उसका स्मैश बर्गर का। जहाँ तक बात है चिकन बर्गर की, जो कि एलापिनो बर्गर था, डैट वाज ऑर्डनरी चिकन बर्गर, आपके सिंपल पैटी फ्लेवरफुल थी, और इसके अलावा जो बाकी जो फ्लेवर था या बाकी जो चीज़ थी उसके अंदर जो फील था, जो लुक थी, डैट वाज वेरी नॉर्मल। अच्छा, जो इनका मसाला ड्रिंक था जो कि मैंने ऑर्डर किया था, मसाला ड्रिंक वाज वेरी ऑर्डनरी लेमनेड। फिर मैंने उनको एक फीडबैक भी दिया अपने उसके बारे में, तो उन्होंने फौरन उसको स्विच करवाया, अपना एक और इनका सिग्नेचर ड्रिंक है चिली मिली के नाम से। मैंने कहा शायद कोई ये इसमें चिलीज़ ऐड होती हैं, तो वो वाकई उसमें, एक तो पहली बात है कि ग्रीन चिलीज़ ऐड थी, और दूसरा उसमें जो चिली मिली जो जेलीज आती हैं बच्चों के लिए, वो भी उसके अंदर पीसीस के अंदर काट के वो भी डाली हुई थी, और जो हरी मिर्च का फ्लेवर था वो भी आपको इन्हांस कर रहा था उस ड्रिंक के फ्लेवर को। लोडेड फ्राइज़ वाज रियली लोडेड, क्वांटिटी भी अच्छी रीजनेबल थी, और बाकी फ्लेवर में भी अच्छा था, उसमें कैप्सिकम थी और डिफरेंट क्रीम सॉस के साथ वो उन्होंने फहीता फ्लेवर को डेवलप किया हुआ था, और लोडेड फ्राइज़ के उधर ऊपर प्लस उन्होंने अपनी सालसा सॉस भी ऐड की थी। तो ये थे जी मेरी आज का विज़िट जस्ट बर्गर्स का। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह। Thank you.